किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है कि इंसान अपने साथ खुदा को न रख सका, मस्जिद बना दिया है कि इसमें खुदा रहे। देखिए शेर नहीं, बड़ी मार्के की बात शायर कह के चला गया। इंसान अपने साथ खुदा को न रख सका, मस्जिद बना दिया है कि इसमें खुदा रहे। मतलब ये कि बस अल्लाह मियां यही रहे, घर में ना आए हमारे घर मारे। हम खुदा के अहकाम के साथ जीने के तैयार नहीं है। बड़ा करीम है वो, उसे नफ्स की इस्लाह के लिए कि तुम अपने नफ्स को ऐसा बनाओ कि हम उस नफ्स के खरीदार हों। ऐसा नहीं कि मैंने एक नफ्स खरीदा, मैं पूरी कायनात के नफ्स को खरीदने के लिए तैयार हूँ। वो नफ्स तो इस लायक हो कि जिसे खुदा सौदा करे। पहले इस नफ्स को ऐसा नफ्स तो बनाओ कि खुदा उसका सौदा कर सके। देखिए बड़ा करीम है वो, मैं कह रहा हूँ ना, बड़ा करीम है। उसकी करीमी को जरा एहसास कीजिए कि जब वो बंदगी की संग बुनियाद रख रहा था, बंदों की संग बुनियाद रख रहा था, जब पहला बंदा, क्योंकि उसने खल्क किया है, उसने बनाया है, वो इसका मिजाज जानता था और जानता है कि जिस बंदे को हम पैदा कर रहे हैं ये बंदा ऐश तलब होगा, उसके खमीर में है ऐश, नरम बिस्तर, मिनरल वाटर। दो पैसे आ जाएंगे तो पार्क तलाश करेगा, सब्जाजारों में घूमना पसंद करेगा, हसीन वादियों में सफर करेगा, झरनों के करीब बैठेगा। वो सब जानता, ये करेगा ये, क्योंकि मैं बना रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये ऐसा होगा, इसके मिजाज में ऐश होगा। झरनों के करीब बैठना पसंद करेगा, आबशार से खेलना पसंद करेगा, खूबसूरत चेहरों पर इसकी नजर होगी। ये सारी चीजें इससे मुहैया चाहिए, जब बनाया तो इसे ये चाहिए। इंतजाम कुदरत देखिए, उसने कहा कि जितनी चीजों की ख्वाहिश है उस सारी चीजों को उसने पहले मुहैया किया। खूबसूरत जन्नत बनाई, हसीन वादियां बनाया उसने, झरने बनाए, आबशार बनाए, नहरें जारी की, ये सब आपके मिजाज में है ना। खूबसूरत हूरें डाली उसमें, क्यों? ताकि मेरा बंदा जब बंदगी की धूप से थक कर वापस आए तो हर वो खूबसूरत शय जिसको उसने इसलिए गले नहीं लगाया कि मुझे पसंद नहीं है, मैं उससे बेहतर दे सकूं उसे। जब मेरा बंदा बंदगी की धूप से थक कर आएगा तो उसके लिए सारी चीजों को मुहैया कर दिया। अगर वो पार्क में इसलिए नहीं गया था कि मेरे खुदा को इस जगह पे जाना पसंद नहीं है तो उससे बेहतर पार्क में दे सकूं। अगर उसे गार्डन पसंद इसलिए नहीं किया उसने कि खुदा को पसंद नहीं है यहाँ जाकर बैठना, ये अच्छी जगह नहीं है, लिहाजा मैं उससे बेहतर गार्डन मैंने इंतजाम कर रखे। अगर किसी खूबसूरत चेहरे को इसलिए नहीं देखा कि मुझे पसंद नहीं है तो मैंने उससे खूबसूरत चेहरे तैयार करके रखेंगे। तुम आओ तो सही, तुम अमल की दुनिया से लौटकर तो आओ, देखो मैंने तुम्हारे सारे इंतजामात किए हैं, ये तुम्हें जजा के तौर पर, तुम जाओ, सिर्फ इतना ख्याल रखना कि जो मुझे पसंद नहीं वो बंद न करना। और अगर तुमने मेरी नाफरमानी की, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अज़ाब भी बहुत सख्त। यहाँ आप इस चीज को जहन से निकाल दीजिए, यहाँ कोई काम वाम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ अगर कोई काम आएगा तो खुद आपका किरदार काम आएगा। اللهم صل على محمد وآل محمد।